दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करें। 4 अक्टूबर 2023 को तीनों इंडेक्सेस में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों निफ्टी 50 में 92 पॉइंट्स की गिरावट रही है, 19,436 में है। बीएससी सेंसेक्स 65,226 में है, 286 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी बैंक 43,964 में है। तो तीनों इंडेक्सेस गिर कर बंद हुए हैं। बाजार के बारे में बात करते हैं और जो अभी सिचुएशन बनी है उसके अनुसार बात करेंगे। आगे दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, फेस्टिवल सीजन आने वाला है और बाज़ार में पिछले 6 महीने में अगर आप फरवरी और मार्च से लगाते हैं तो 6-7 महीने में एक तेज़ी भी बनी है। दोस्तों आपको याद होगा फरवरी और मार्च के आसपास, अप्रैल के आसपास, फरवरी मार्च और अप्रैल में करेक्शन का दौर था। तब भी इसी तरह की बातें चल रही थी कि अब ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी डाउन ट्रेंड, क्रैश और भयंकर गिरावट, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स के बारे में। और मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में भी एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हैवी वेट्स में तो देखिए दो जो बड़े शेयर्स हैं उनमें एक तरह से गिरावट चल रही है पिछले कुछ दिनों से। तो निफ्टी का इंडेक्स नीचे की तरफ दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि दोनों कंपनियों के वेटेज ज़्यादा हैं। दो कंपनियों की बात कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग रहा होगा और कमेंट बॉक्स में लिखें दो कंपनियां कौन सी हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है निफ्टी में। दोस्तों तो निफ्टी का इंडेक्स 19,400 के आसपास है। अब दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होने वाले हैं। शुरुआत में आईटी सेक्टर की कंपनियों के नतीजे आएंगे। जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे होंगे तो उनमें तेज़ी भी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बाज़ार के अभी जो करेक्शन हो रहा है। और शेयरों की बात करते हैं तो जो आज करेक्ट हुए हैं, ICICI बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, एक्सिस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, SBI का स्टॉक 586 में है। दोस्तों रिलायंस की बात कर रहे हैं तो 2314 में है। HDFC बैंक में थोड़ी बहुत तेज़ी रही, 1529 में है। HDFC बैंक का स्टॉक ऊपर ही तरफ से गिरा है ये 1650 के आसपास से। और जो तेज़ी वाले स्टॉक रहे हैं HUL में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में तेज़ी रही, HDFC बैंक, आईशेयर मोटर, नेस्ले में तेज़ी रही है। नेस्ले का जो न्यूज़ है, खबर है, स्टॉक स्पीड होगा दोस्तों, 22,986 में क्लोजिंग आई है। मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन पिछले 6 महीने में जिन्होंने खरीदा है तो वो अभी भी प्रॉफिट में होंगे दोस्तों। और जिन्होंने 20,000 के इंडेक्स में खरीदा होगा तो उनको एक तरह से नुकसान दिख रहा होगा दोस्तों, और जिन्होंने 18,000-17,000 के आसपास से खरीदा है तो वो एक तरह से अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है और पिछले 5-6 महीने की बात करते हैं तो निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी रही दोस्तों। देखिए चार्ट का जो ट्रेंड रहा है ये डेली कैंडल्स हैं निफ्टी के। देखिए मार्च और अप्रैल के महीने में ये, अगर हम डेट की बात करें, 27/3/2023 को निफ्टी का जो इंडेक्स था 16,897 में था दोस्तों। 16,897 से ये बढ़कर धीरे धीरे बढ़ा, 5-6 महीने के अंदर बढ़ा। जो इंट्राडे करते हैं 10 दिन के लिए करते हैं तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि स्टॉक देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया ये 6 महीने में। और जुलाई के महीने में एक टॉप बनाया इसने 19/7/2023 को, और उसके बाद देखिए एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है पूरे अगस्त के महीने में दोस्तों। पूरे अगस्त के महीने में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और निफ्टी का इंडेक्स आ गया था 19,200 के आसपास दोस्तों। और फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी का इंडेक्स फिर से ऊपर की तरफ गया है। तो अप ट्रेंड तो बना है निफ्टी में और 20,204 तक निफ्टी गया। अब फिर से देखिए जो गिरावट चल रही है, सितंबर के 15 तारीख से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। सितंबर के 15 तारीख के बाद से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। शेयरों में तेज़ी तो आ रही है लेकिन उनमें इंट्राडे में या फिर 2-4 दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग
देखने को मिल रही है। जितने भी हैवी वेट्स हैं, देखिए शेयर्स ऊपर की तरफ गए लेकिन उनमें प्रॉफिट बुकिंग है। तो 20,000 का लेवल इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, क्रॉस तो किया था, 20,200 का लेवल इम्पॉर्टेंट रहेगा ऊपर की तरफ। और एक तरह से देखिए ये जैसे कि अब कोई भी शेयर अगर 100 रुपये के आसपास जाता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, उतना बहुत सारे निवेशकों का टारगेट हिट होता है। तो उसी तरह से निफ्टी का जो इंडेक्स है 20,000 का हडल बड़ा है दोस्तों, 20,000 का हडल बड़ा है। तो 20,200 के आसपास से सितंबर 15 तारीख से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अभी अक्टूबर के महीने में भी ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जो लो है 19,334 का लो है आज का, आज का जो लो है 19,334 का दोस्तों, 19,334 के नीचे ये ट्रेड करने ले जाएगा, ट्रेड करेगा तो इसका जो सपोर्ट रहेगा 19,200 का रहेगा। ये अब सितंबर के स्टार्टिंग में था दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ये सपोर्ट रहेगा दोस्तों। इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर इसमें एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, 18,800 18,700 के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और दोस्तों जब ये 20,000 के आसपास कारोबार कर रहा था तब बताने की कोशिश थी कि ओवरबॉट की स्थिति है, मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। वैसे देखिए 600-700 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी में, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, क्रैश नहीं हुआ है और डाउन ट्रेंड भी अभी है नहीं है। तो 3,000 की जो रैली बनी है मार्च और अप्रैल से, तो उसमें थोड़ा बहुत अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो 19,400 के आसपास है नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा 19,200, और 19,200 के नीचे निफ्टी आएगा तो इसमें बाइंग आती हुई नज़र आएगी दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि एकदम से गिर जाएगा, लेकिन अक्टूबर का जो ये अभी चल रहा है, अभी 4 अक्टूबर है, तो अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन नेक्स्ट वीक तक इम्पोर्टेंट रहेंगे ऊपर की तरफ। जैसे कि ऊपर की तरफ ये जाएगा निफ्टी, मीन्स खुलेगा या ऊपर की तरफ तेज भी होगा, तो 19,555 और 19,732 ये हडल्स रहेंगे, और बड़ा हडल जो रहेगा 19,853 का। तो यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है अक्टूबर के महीने में दोस्तों। 19,853 के ऊपर क्लोज होगा तो जितने भी सेल करने वाले हैं वो एक तरह से बायर हो जाएंगे। जो बाई कर रहे हैं वो तो है ही हैं, मीन्स बुल्स तो है ही हैं, लेकिन जो सेल करने वाले बेयरिश मोड में जो कह रहे हैं कि गिर जाएगा निफ्टी और नीचे की तरफ आएगा, तो 19,853 के ऊपर क्लोज होगा तो फिर एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कि आप समय लग सकता है दोस्तों, और आगे जो दूसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। RSI की बात करते हैं तो 39 में दोस्तों, 30 के नीचे आएगा तो ओवरसोल्ड की स्थिति बनेगी। अब दोस्तों बाज़ार में करना क्या चाहिए, इस वक्त निफ्टी इंडेक्स नीचे की तरफ है और जो शेयर में करेक्शन हो रहे हैं तो उनको एक तरह से पार्ट में खरीदारी करनी चाहिए, और जिनके पास लोअर लेवल पे हैं जो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो जब निफ्टी का इंडेक्स ऊपर की तरफ हो तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए दोस्तों। अब जो रेशियो होना चाहिए 80-20 या फिर 70-30 का रेशियो होना चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि 100 रुपीज़ है तो 70 इन्वेस्टेड, 30 का कैश होना चाहिए, ताकि अगर गिरावट बढ़ती है आगे आने वाले महीनों में तो खरीदारी करने का मौका मिले। और अपने अनुसार देखना चाहिए, जब प्रॉफिट हो तो अपने अनुसार देखना चाहिए। और जो ट्रेड लेते हैं एक दिन, इंट्राडे, 2 दिन 3 दिन, तो अभी तो बियर्स हावी हैं, उनको ज़्यादातर प्रॉफिट हो रहा होगा जो बेच के खेल रहे होंगे इंट्राडे में, और आगे भी इसी तरह का रह सकता है दोस्तों। फिलहाल जो निफ्टी इंडेक्स का ट्रेंड है, अब ट्रेंड है जब 1800 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।